मैं समझता हूं कि भारत में डेमोक्रेसी है, भारत के अलावा दुनिया में बड़े पैमाने पर डेमोक्रेसी है, लेकिन फिर भी पैंथर जैसे संगठन बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब गवर्नमेंट कुछ विशेष लोगों के साथ या कुछ ताकतवर लोगों के साथ उनका सहयोग करने के लिए गरीब लोगों को शोषण करती है या उनके अधिकारों को छीनने का प्रयास करती है, तब भीम आर्मी और पैंथर जैसे संगठनों की जरूरत पड़ती है। प्रदेश देश के हर नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की, इसके लिए जनता टैक्स भी देती है, फिर भी बड़े पैमाने पर मुकदमे नहीं दर्ज होते, बहुत सारी एट्रोसिटी होती है। मेरा ऐसा भी मानना था कि सरकार बदली है महाराष्ट्र में तो अब कुछ चीजें देखने को मिलेगी, लेकिन इस सरकार में भी एट्रोसिटी भी कम नहीं हुए और उसके से आगे बढ़ के जो बहुजन सबका उनकी तरक्की के लिए कोई विशेष काम नहीं हुआ। कोई ऐसी योजना मैंने नहीं देखी कि जिस योजना के जरिए एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के बच्चों को या इस समाज को रोजगार, जमीन, कोई और रिसोर्सेज या एजुकेशन का बजट कुछ इस तरह से डेवलपमेंट किया गया कि ये वर्ग जो है आगे बढ़ सके, ठेकेदारी में या तमाम तरह के किसी इंडस्ट्री में उनको रिलैक्सेशन दिया जाता है या सपोर्ट किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। तो इसलिए हम लोग कल रात चर्चा कर रहे थे कि सामाजिक आंदोलन के बाद अब राजनीतिक आंदोलन भी आजाद समाज पार्टी काशीराम मजबूती से महाराष्ट्र में काम करेगा। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट राहुल भाई, हमारी नेता योगिनी ताई और हमारी जो जिलाध्यक्ष हैं यहां के पाली बाबू हमारे साथ हैं। हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि हम लोग यहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो चुनाव है महाराष्ट्र में वो लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। हमारे में आजाद समाज पार्टी की टीम स्ट्रांगली उसको कंटेस्ट करेगी और मुझे उम्मीद है कि क्योंकि लोग बहुत ठगे गए हैं, उनका विश्वास टूटा है, तो वो लोग हमें इस बार मदद कराएं, क्योंकि भीम आर्मी के लोगों ने पिछले 6 साल से यहां मजबूती से काम किया है और कोई ऐसा इश्यू नहीं। इस तरह से नफरत को भी बढ़ावा दिया जा रहा है महाराष्ट्र में, उसमें भी भीम आर्मी के लोग स्ट्रांगली काम कर रहे हैं। कोई ऐसा इश्यू नहीं है जिसमें भीम आर्मी के लोगों ने मजबूती से लड़ाई में लड़ी, चाहे वो डेकोरेशन का काम हो, जिस तरह से बड़े बड़े मॉल बनाने के लिए गरीबों को की झुग्गड़ झोपड़ी को खत्म किया जा रहा है, या और कोई सांप्रदायिक भावना को ठेस पहुंचाने का, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देके लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है, उसमें भी भीम आर्मी के लोग स्ट्रांगली लड़ रहे हैं। और यहां तो नांदेड़ में तो क्योंकि ये क्रांति भूमि है, यहां बड़े बड़े आंदोलन और तमाम तरह से वार्ड लेवल तक हमारा संगठन है। हमें आशा उम्मीद है कि इस बार महाराष्ट्र में हम लोग अच्छा करें। अभी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप अपनी बात, अपना सवाल पूछ सकते। मूल्यों के साथ लोकतंत्र का निर्माण हुआ था, वो पूरे नहीं हुए। मैं अगर समस्याओं की बात करूं तो मुझे गिनाते गिनाते शाम हो जाएगी, लेकिन समस्याएं खत्म नहीं हुई। तो पार्टी का एजेंडा जो लोकशाही के मूल्य हैं कि अंतिम व्यक्ति को भी पावर शेयरिंग होनी चाहिए और उनके जो मुद्दे हैं उनके लिए उनको सड़कों पर या आंदोलन नहीं करने चाहिए, जो लोग जिन लोगों को अवसर मिला उनको करके देना चाहिए। तो अभी तो जिस तरह की गैर बराबरी है, मैं समझता हूं कि गरीब लोग तो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। इस देश की आबादी और महाराष्ट्र की आबादी के उसमें मैं करूं तो बहुत सारे लोग तो जो है प्लेन को सिर्फ उड़ते हुए देखते हैं। उनकी अभी तक उनके लिए कुछ ऐसा नहीं कि वो उसमें बैठ जाएं। तो मैं, मेरा ये सिर्फ उदाहरण है इसलिए क्योंकि जब मैं जाके देखता हूं तो बड़े पैमाने पर जहां गरीब लोग रहते हैं वो घर भी ऐसे हैं कि वहां 4 आदमी 2 आदमी ज्यादा रह नहीं सकते, लेकिन वो मजबूर हैं इस सिस्टम में जहां वो बराबर टैक्स देते हैं लेकिन वो सुविधाओं से मजबूर है। अंतिम व्यक्ति तक भी वो सारी सुविधाएं जो उनका राइट्स रहता है लोकतंत्र में वो पहुंचाने का काम करते हैं। खासदार नवनीत राणा की ओर से बाबा साहब अंबेडकर के पुतले को पुष्प माला देना चाहिए और बाद में उसी पुतले का शुद्धिकरण किया जाता है, इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिये, मैं समझता हूं बीजेपी के जो लोग हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर को उतना ही मानते हैं जितना उनका फायदा ले सकते, और इसका प्रमाण ये है कि बीजेपी तो एक विंग है आरएसएस की, छोटी सी विंग। आरएसएस के लोगों ने बाबा साहब के जिंदा रहते उनका उनकी सब यात्रा निकाली, और जब बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट बड़े पैमाने पे लोगों तक पहुंचने लगी और उनके विचारधारा को मानना लोग तैयार होने लगे
यही आरएसएस के लोग जो उनका पुतला जलाते थे, उनकी सब यात्रा निकालते थे, वही बाबा साहब के पुतले को माला चढ़ा देते। अब हम डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग बेवकूफ नहीं है, पुलिस और अम्बेडकर को मानने वाले लोग समझने लगे वो हमारे वोट को लूटना चाहते हैं। अब हम उनकी बातों में नहीं आने वाले, इसलिए हम लोग यहां बड़े पैमाने में बात में लोग बाबा साहब की विचारधारा, फूले साहब की विचारधारा को पहुंचाने का काम करें। लेकिन जिस बाबा साहब ने छूत अछूत और शुद्धिकरण इस बारे में कड़वा विरोध किया है, उसी बाबा साहब के पुतले को लेकर शुद्धिकरण किया जाता है और बहुजन समाज की ओर से किया जाता है, इस जो ये जो माइंड डायवर्जन चल रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि बाबा साहब का पुतला किसी के छूने से अछूत नहीं होता, शुद्धिकरण से वो सछूत नहीं होता। मैं समझता हूं बाबा साहब मूर्ति पूजा के सबसे बड़े विरोधी थे। उन्होंने कहा कि मुझे पूजने की नहीं पढ़ने की जरूरत है, मैं मूर्तियों में नहीं किताबों में। और उन्होंने हमें कहा कि सुबह के समय दो घंटी बजेंगी। आजकल खूब यहां वो लाउडस्पीकर उतरवाए और करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा दो घंटी बजेगी, स्कूल की एक मंदिर की तय, आपको करना है, आपको कहां जाना, आपकी तरक्की के रास्ते शिक्षा से खुलेंगे। तो हम तो उस बात को समझते हैं, जो लोग नहीं समझे उनको भी समझाने का प्रयास करेंगे कि बाबा साहब के उनको मानने की नहीं, उनके दिखाए रास्ते पे चलने की जरूरत। उम्मीद है कि लोग समझें। यूपी में देखिए, मैं समझता हूं कि मैं इस शख्स को जानता ही नहीं। लोकतंत्र है, आजादी है, भाई कोई कुछ भी बोल सकता है। कि आप तक कुछ पैसे वैसे लेके बोल दिया सर, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मैं समझता हूं कि ये महाराष्ट्र, मुझे लगता है मुझे उम्मीद थी कि आप महाराष्ट्र में मुझसे सवाल पूछेंगे। क्या तो आप ये मानते हैं कि महाराष्ट्र में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग काम नहीं कर रहे हैं? तो मैं तो समझता हूं कि आप तो सबसे ज्यादा भीम आर्मी के लोग चर्चा में हैं। तो अगर आप यूपी में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो वहां यूपी में वो लोग काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि दुश्मन राजनीति में कोई ज्यादा लंबे समय तक दुश्मन और दोस्त नहीं होता है। जो शायद आज आरोप लगा रहे हैं, कल हो सकता है कि वो हो सकता है हमारे दलों में काम करें आने वाले समय में, या हो सकता है कि उनका दल जो है हमारे साथ ही गठबंधन करने का घूमता करें। तो मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देता हूं, मेरा काम है काम करना, वो मैं अच्छी तरह करना। सर, संगठन डॉक्टर अम्बेडकर फूले साहब की जो विचारधारा है उसके जरिए हम लोग बूथ लेवल तक जा रहे हैं। जब हम ये देखते हैं कि बीजेपी क्यों जीतती है, जब बीजेपी जीत जाती है तो बहुत सारे दल ईवीएम वगैरह का आरोप भी लगा देते हैं, कहते हैं ईवीएम से जीतती है सब चीजें। मैं समझता हूं कि हमें दूसरों के को देखने के साथ साथ खुद की कमजोरियों को भी देखना चाहिए। ईवीएम में हो सकता है दिक्कत हो सकती है, लेकिन बूथ मैनेजमेंट बीजेपी पन्ना प्रमुख तक बनाती है, दूसरे विपक्ष के लोगों के पास क्या है। तो हमने पन्ना प्रमुख से भी नीचे अपना संगठन बनाया, उसको हम ग्राउंड लेवल तक तैयार करें। संगठन के जरिए ही शक्ति बनेगी और शक्ति से ही हम लोगों को ये जो राजनीतिक परिवर्तन है वो उसको करने का मौका मिलेगा। तो जो 85% शोषित वंचित वर्ग है, उनको आइडियोलॉजिकल जो लोग जिनकी समस्या एक जैसी है और जिनके दुख सुख एक जैसे हैं, उनको हम लोग जोड़ने का प्रयास करें विचारधारा के आधार पर। और पन्ना प्रमुख से नीचे हमारा संगठन है जिसमें संदेशवाहक और विश्वास दो पोस्ट है, जो समझिए कि 10 लोगों के ऊपर है। ये विश्वास मित्र 10 परिवारों के साथ कनेक्ट होकर उनकी समस्याओं को पार्टी के लोगों को अवगत कराएगा और उनके जरिए उनकी समस्याओं का समाधान होगा। तो हम बड़े पैमाने पर अपने संगठन को जमीनी रूप से मजबूत कर रहे हैं और छोटे छोटे प्रोग्राम और कैंप्स लगाकर उनकी समस्या को कलेक्ट करेंगे और फिर उनका निराकरण कराएंगे, उनको जोड़ने का काम करेंगे। महाराष्ट्र में जो आप इलेक्शन लड़ने की बात, आप गोरखपुर से लड़े थे जी, पार्टी ने कितने परसेंट वोट हासिल किए हैं, फेलियर होने का कारण क्या लगता है? फेलियर होने का बिल्कुल एक ही कारण है, इस विचारधारा को मानने वाले दो दल थे वहां पर और जनता विकल्प को वोट देती है। इस बार उन्होंने लास्ट टाइम मुझसे कहा कि इस बार हम एक और बार जो है उनको वोट देकर देखना चाहते हैं, क्योंकि आपका नया दल है और उनकी तरफ से पिछली बार सरकारें बनी है तो हमें उम्मीद है कि इस बार बना सकते हैं। जबकि मैं उन्हें इस बात को समझाता रहा कि अब वो लोग काम नहीं करते हैं तो उनका कैडर खत्म हो गया, तो इसलिए वो लोग हारने वाले। अंत ये हुआ कि उन्होंने इस बार जैसे चयन करने को दो लोग हो, जैसे मुझे सवाल लेना हो इधर या उधर से दो पत्रकार सवाल करे तो एक से ही मैं सवाल लूंगा, तो ये चयन था। जनता ने इस बार उनको चुना और हमें कहा कि आपको अगली बार मौका देंगे। मुझे लगता है इसके अलावा कोई वो नहीं, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं तभी हमारा संगठन बड़े पैमाने पर वहां काम कर रहा है। और जब आंदोलन होते हैं तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो इस बात को प्रमाणित करती है कि हमारा संगठन बहुत मजबूत है। सरकार भी अगर आज आम आदमी को कोई परेशानी होती है तो पुलिस से पहले भीम आदमी को फोन करते हैं, उसको उम्मीद है कि भीम आर्मी के लोग आएंगे तो न्याय मिलेगा। और संगठन बहुत बड़ा है, पूरे रूट लेवल तक है, गांव तक है।
देखा गया जो अभी बात को खंडन करते हुए कहूंगा, हम पहली बार चुनाव लड़े। मैं समझता हूं कि पहली बार अगर आप स्कूल जाते हैं तो आप मास्टर बन के नहीं आते, आप स्टूडेंट बनने के, आप सीखने के लिए जाते हैं और एक दिन में एक ही क्लास को सीख सकते हैं। राजनीति में एक क्लास, जब लोग लंबे समय तक कहीं जुड़े हुए हैं तो वो वहां से छोड़ेंगे तो उनके पास अल्टरनेट होना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि आप, अगर मैं महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग अपनी समस्याओं का निराकरण चाहते हैं, वो थोड़े समय के लिए जो छोटी समस्या उन पर ध्यान कर रहे हैं, हमें उनकी असली मूल समस्या को बताना पड़ेगा और उसका परमानेंट का हल भी बताना पड़ेगा। तो अभी तो हम महाराष्ट्र लड़े नहीं है, महाराष्ट्र लड़ेंगे तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि महाराष्ट्र के लोग तो अब समस्याओं का हल जानते हैं और महाराष्ट्र के लोग समस्या भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर फुले साहब की मूवमेंट जो है वो बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंची हुई है। यहाँ उनके जब बर्थडे होते हैं या उनकी जो है कोई इस तरह के उनसे जुड़े हुए दिन होते हैं तो बड़े पैमाने पर सेलिब्रेशन होते हैं। जो लोग उनको मानने वाले लोग हैं उनकी विचारधारा कैसे आगे बढ़े, महापुरुषों भी उनको कनेक्ट करना पड़ेगा। संगठन ही बहुत आसान तरीका है, अभी आजाद समाज पार्टी संगठन बना रही है, आप देखिए कि इस बार आजाद समाज पार्टी अच्छा करके दिखाएंगे। और जिनको मैं नेता मानता हूं, माननीय साहब काशीराम, मैं कल उन्हीं का जिक्र कर रहा था कि वो दिल्ली में इलेक्शन लड़े थे पहली बार, 25 सीटों पर लड़े नगर सेवक का चुनाव और 25 की 25 में उनकी जमानत जब्त। तो मैं तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे महापुरुष को नेता मानता हूं जिसने संघर्ष का रास्ता चुना, सुविधा का रास्ता नहीं चुना। तो जब मैं उनको नेता मानता हूं तो इन चीजों से हार जीत से मुझे फर्क नहीं पड़ता। और हमारे मूवमेंट में तो हमें बताया गया कि सत्ता सेकेंडरी है, पहले तो अपनी मूवमेंट, फुले साहब अम्बेडकर की मूवमेंट, इसकी विचारधारा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो मैं तो उसका काम कर रहा हूं, अगर इसके जरिए फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा अंतिम लोगों तक पहुंच जाए तो ये भी बहुत अच्छा है। जब जिस दिन वो विचारधारा को स्वीकार कर लेंगे तो अपने आप ही अपना राज्य जाएंगे, फिर उनको चंद्रशेखर किया राहुल प्रधान की जरूरत रहेगी नहीं। जब लोग इस बात को, जब लोग वोट की वैल्यू समझ जाएंगे तो वो वोट बेचेंगे नहीं, वोट बर्बाद नहीं करेंगे, तो वो वोट अपने अच्छे व्यक्ति को देंगे। उम्मीद है कि हम लोग उनकी बात, डॉक्टर अम्बेडकर की बात को लोगों तक पहुंचाने में सफल हो जाएंगे। ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए कि डॉक्टर अम्बेडकर ने तो इस बारे में नहीं कहा, मैं तो उसी चीजों के बारे में बात कर रहा हूं जिसको डॉक्टर अम्बेडकर ने, और मैं समझता हूं कि मैं सिर्फ उनको जानता नहीं उनको मानता नहीं। तो मैंने कहा ना, हमारे तरक्की के रास्ते तो स्कूल से खुलेंगे, कॉलेज से खुलेंगे, और अच्छा उनको पढ़नी चाहिए, कुछ तो पढ़े, किताबें नहीं पढ़ते तो कुछ तो पढ़े, शायद कुछ बदलाव हो जाए। लेकिन आप ये याद रखें कि उनके पास तो सरकारी सुविधाएं हैं, लेकिन क्या गरीब आदमी अगर धार्मिक काम में जुड़ जाएगा तो उनके बच्चों को रोटी मिल जाएगी? जिसका पेट भूखा हो उसको भजन भी अच्छे नहीं लगते। मैं समझता हूं कि अच्छा है, उनके ऊपर केस भी है कि उनका जो प्रमाण पत्र है फर्जी है। अगर यहां न्यायपालिका में रिजर्वेशन होता, कॉलेजियम सिस्टम ना होता, तो शायद 420 करने वालों की जगह जेल होती। धन्यवाद।